दादा आपने किसी और को बुलाया था, उन्होंने मुझे भेज दिया। दो कारण है दादा, एक कारण ये है कि पहले मैं आपका एक किस ले लूं दादा। यू लुकिंग वेरी गुड दादा, यू लुकिंग डैम गुड। आई नो आप क्या बोलने वाले, दादा नो यू लुकिंग लाइक सन। आप शादी होने से पहले आपको दादा बना दिया ना इन लोगों ने। हाँ है ना, हाँ द यंगेस्ट दादा बिना शादी के दादा। अभी कुछ बोल कुछ और रहा था, चले गए कुछ और। आप किस लिए आए हैं पहले बताइए। दादा मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि पहले तो मैं इन बच्चों के साथ ड्यूरिंग द होल कार्यक्रम प्रोग्राम थोड़ा सा पैर हिलाऊं, मस्ती लूटूं, और फिर जो उनके बैटल चल रहे हैं वो बैटल किसके लिए, वो मैं लेके आया हूँ दादा। तो पेश किया जाए सुनहरी तकदीर की टोपी। दादा क्या बोलोगे इस सुनहरी तकदीर की टोपी के बारे में, इनको इनको ही कहूंगा कि अभी से खाना पीना रहना सोना सपना सब कुछ उस टोपी के लिए, राइट। और जो सबसे ज्यादा शिद्दत दिखाएगा ये टोपी उसी की होगी। बोलो किसकी, किसको बोलो, बोलो सभी सभी। वाओ चलो फिर दादा बोलिए, ये सीक्रेट क्या दादा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना। क्या है बोलो। नहीं ये जो एक लग रहे हो आजकल आप, मतलब कमाल ही। क्या क्या लग रहा हूँ? जवानी फैन हो गई। किस लड़की का नाम है? आगे चले बेहतर होगा। सर नेम बता दो। मैं एक सच बताऊं कि एक्चुअली व्हाई आई एम फीलिंग नाइस, इस सेट पे एक इंसान हुआ करता था, वो अभी नहीं है। वो जितना मुझे टेंशन देता था उसकी वजह से मैं ऐसा लगता था, अभी वो नहीं है। देखो आई एम लुकिंग सो फ्रेश, सो आई एम हैप्पीयर। बिना जोकर के सर्कस कैसे चलेगा दादा? आपके पीछे कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है ना, इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो जिंदगी की रेस में सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। मैं झटका खाया था। ओह गॉड। ऐसा तो नहीं, आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब आगे निकल गए। I remember हम लोग एक दिन रात को हम लोग रशिया के अंदर बोर हो रहे थे। ये इंटरेस्टिंग है, रशिया। I love Russia. दादा come on, सब अभी सब सीनियर लोग हैं। नहीं नो सीनियर है, बच्चे लोग भी हैं। लिटिल मास्टर नहीं दादा, यहाँ पे बात कर सकते। तुझे मेरी कसम है दादा, लिटिल मास्टर नहीं है। हम लोग एक दिन रात को बहुत बोर हो रहे थे रशिया में। रशिया में हाँ। तो फर्स्ट जो दादा की एंट्री हुई रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग के, सब पता नहीं बुरे मूड में थे, भड़के हुए थे, तो दादा ने लेफ्ट राइट ले ली सबकी। और मैं वहां पर एक आध हफ्ते पहले से था, तो मैं देख रहा हूँ कि होटल के बाहर बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई अपने को भाव नहीं दे रहा यार। सडनली मैंने पूछा ये लड़कियां क्या कर रही हैं यहाँ पर बुके लेके, तो पता चला कि ये मिथुन दादा के फैन है। ये तो सिर्फ मिथुन दादा के फैन है, बुकेस ले लेके और इंग्लिश बहुत कम लिखवा के लाए हैं कि जिमी जिमी आजा आजा, विल यू बी द फादर ऑफ माई चाइल्ड। समान सर ये तो इंटरवल तक की स्टोरी थी, आगे ये मुझे दिया गया दादा को देने के लिए। क्या बात कर रहे हो, जब मैंने लड़की को देखा मैंने भूखे ही गुल कर दिया। दादा की बात पहुंच रही नहीं थी। अभी आगे करने फिर रात को मेरे को एक पर्सनल चीज शेयर करनी है। मेरा है। आप ही के साथ है लेकिन मेरा है। मैं शूटिंग कर रहा था हम आपके हैं कौन के लिए ऊटी में, दादा कर रहे थे नीचे
इनके रिजॉर्ट में मसीनागुड़ी में, तो दो घंटे का रास्ता है नीचे ऊपर। दादा नहीं देख ली क्योंकि दादा उस वक्त संगीता के साथ भी काम कर रहे थे, है ना, तो किसी को पता नहीं था। सडनली मैं वहां पर छुपा हूँ, लाइट ऑफ ही नहीं हो रही, लाइट ऑफ ही नहीं हो रही। 12:30 बज गए, 1 बज गया। बोला कब सोएंगे इन लोग यार। बाहर रिसोर्ट के बाहर गाड़ी एम्बेसडर खड़ी है, सडनली एक जीप निकलती है और सीधा जीप का लाइट मेरे पे पड़ता है। ये आदमी राइट हैंडेड, बट ये शॉर्टकट कर दिया। अभी सच बोल दूं? बोलो बोलो बोलो। सच ये है, ये 10:30-11 की बात करे ये नहीं है, ये सुबह 4:30 बजे की बात है। जी हाँ, ये रात को आए कुछ 11:30 बजे और वहाँ चेक पोस्ट बंद हो जाता है, उससे रिक्वेस्ट करके खुलवा के आता है। मैंने देखा वो आया, लेकिन कुछ नहीं, मैं भी जीप लेकर वहाँ ही बैठा था। So मैं बोला आज मैं तुझे बताता हूँ। अरे देख रहा हूँ मैं दूर से सिल्वेट में क्या हो रहा है। बाई बाई पार्टिंग हुई, गाड़ी में बैठे और मैं भी रखा, जन लाइट खुली, ओ तेरी माँ की मत। और ड्राइवर को बोलता भगा, ओ गाड़ी जो भगी। दादा किसी को बोलना नहीं, दादा दादा किसी को बोलना नहीं। ये सच्चाई थी। हमारे इतने किस्से हैं तो रात बीत जाएगी। चलो और कभी।